वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया पेपर ड्राइंग क्लास 12th का। कोड ए है इसका, 100 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो चलो देख लेते हैं ड्राइंग क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर। प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये पेपर, क्योंकि बोर्ड और प्री बोर्ड के पेपर के लिए भी सभी प्रश्न जो आते हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। अपने उत्तर पत्रक में दाहिने किनारे पर अपना अनुक्रमांक और अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर को स्पष्ट शब्दों में लिखो। दाहिने कोने मतलब राइट कॉर्नर, आपको जो ड्राइंग शीट दी जाएगी उसको राइट कॉर्नर पर अपना रोल नंबर और नाम डालना है। तीनों खंडों के जो प्रश्न है वो अनिवार्य है। खंड का है, खंड खा है और गा है। अब देखो, खंड का में वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड खा में आलेखन है और गा में किसी एक का चित्र बनाना है। चलो देख लेते हैं खंड का के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। मुगल काल का स्वर्ण काल कौन सा कहा जाता है? तो ये जहांगीर काल कहा जाता है, जहांगीरकालीन। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य महाराष्ट्र में स्थित हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। इसके बाद कल्पसूत्र लघु चित्र किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो ये कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? तो यहाँ पर लाल रंग एक प्राथमिक रंग है, ये द्वितीयक नहीं है। बाकी हरा, नारंगी और बैंगनी द्वितीयक रंग है। गजगामिनी किसकी कृति है? तो MF हुसैन जो पेंटर हैं उनकी कृति है गजगामिनी नामक। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश में ललित राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? तो अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में पाया जाता है। सब्सक्राइब कर लो आर्ट स्ट्रीम के, आर्ट साइट के भी सभी बच्चों के लिए अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी सभी के पेपर आने वाले हैं। पिछले सालों के भी पहले से अपलोड है तो उनको भी जाकर देख लो, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने बताए हैं मॉडल पेपर में। ठीक है, कोड अगर मिल जाता है तो कभी कभी बिल्कुल सेम भी पेपर आ जाता है बच्चों। इसके बाद है खंड खा, आलेखन कला 60 नंबर में। बिस्तर की एक चादर के लिए क्या करना है? एक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो 16x20 सेंटीमीटर के आकार में हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। आलेखन में मछली या हंस, कमल, पुष्प, कलियों तथा पत्तियों का प्रयोग हो, 3 जल रंगों से सजाइए। ये 60 नंबर का आलेखन है। अब ऊपर वाला आलेखन ना आपको टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आपको एक विकल्प दिया गया है। क्या विकल्प है? कि 20 सेंटीमीटर एक सुंदर आकृति के फूलदान का रूप बनाइए जिसके बीच का व्यास 12 सेंटीमीटर हो, जो किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। इसमें पक्षी का भी समावेश कीजिए। इसे 3 रंगों से सजाइए, मतलब एक फूलदान आपको बनाना है। ठीक है, फूलदान बनाना है और उस पर आलेखन करना है। व्यास कितना होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। उस पर क्या बनाना है? कि कोई भारतीय पुष्प, कमल ले लिया आपने, उसकी पत्तियों कलियों से आपको सजाना है। इसमें एक पक्षी का समावेश भी कर सकते हैं, हंस वगैरह आप तैरता उसमें दिखा सकते हैं अपने ड्राइंग में। इसे 3 रंगों से पूरा करो। और खंड गा जो है वो क्या है? खंड गा आप देखो कि निम्नलिखित में से किसी एक पशु या पक्षी का चित्रण करो। किसका? घोड़े का आप कर सकते हैं, मोर का, हंस का कर सकते हैं, मोर का कर सकते हैं, खरगोश का कर सकते हैं। ये 30 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता तो वस्तु चित्रण आपको मिलता है। दिए गए ड्राइंग पेपर पर गुल्हड़ व कनेर में से किसी एक पुष्प, पत्तियों एवं कलियों का प्राकृतिक चित्रण कीजिए। चित्र का आकार 22 सेंटीमीटर से कम ना हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो स्मृति चित्रण कर सकते हैं, अथवा में दिया अगर ये भी नहीं करना है तो स्मृति चित्रण है। दिए हुए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से जो आपकी ड्राइंग शीट है उसमें आपको एक छाया चित्र
पेंसिल से तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से। ये चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, लगभग 15 सेंटीमीटर का हो, 19-20 हो तो चलेगा, ज़्यादा कम ना हो कि 10 ही सेंटीमीटर का बना दिया या 20 सेंटीमीटर का बना दिया, ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो। फल की टोकरी आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं, लालटेन बना सकते हैं, बिस्तर बंद बना सकते हैं, टेबल फैन बना सकते हैं। तो ये पेपर है, खंडगा में आपको दो विकल्प मिल जाते हैं, एक तो चित्रण घोड़ा हंस मोर या खरगोश को ये जीव बना दो या पक्षी बनाओ, नहीं आता तो वस्तु चित्रण। क्या वस्तु चित्रण में था? गुलड़ और कनेर का पुष्प बना सकते थे पत्तियों सहित, और वो भी नहीं आता तो फिर स्मृति चित्रण में आप बना सकते हैं एक कोई चीज़ केवल पेंसिल से 15 सेंटीमीटर के आकार में, फल की टोकरी या लालटेन या बिस्तर बंद या टेबल फैन। तो सब्सक्राइब कर लो, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बाकी सभी विषय के पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन बटन क्लिक कर देना, आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड, बोर्ड, सभी कुछ हम यहाँ पर आपको बताते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशनल वीडियोस, टिप्स वीडियोस, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये शॉर्ट वीडियोस में भी आप देख सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपने ये पेपर अच्छे से समझा होगा, इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों होता ये है कि जो बोर्ड का पेपर होता है, जो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड का होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन बात यही है कि इसको आप एज ए मॉडल पेपर तैयार करो, मतलब ऐसा नहीं होता बच्चों कि आपका बिल्कुल ये सेम पेपर बोर्ड में भी छप जाए या प्री बोर्ड में भी छप जाए, हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, लेकिन ये आपको देखना पड़ता है, तैयारी को अच्छा बनाने के लिए आपको अलग अलग मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि मॉडल पेपर हम आपको यहाँ पर लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर तैयारी करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको लगातार यहाँ पर देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और इसी तरह के आपको वीडियोस यहाँ पर लगातार मिलते रहते हैं। यहाँ पर पहले वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न थे, 60 नंबर का आलेखन था और 30 नंबर का चित्रण था। 10 नंबर के बहुविकल्पीय, 60 नंबर का आलेखन और 30 नंबर का चित्रण था। स्मृति चित्रण कर सकते थे या वस्तु चित्रण कर सकते थे या केवल चित्रण कर सकते थे, जैसा कि पीछे बताया गया। तो 100 नंबर का पेपर है और आर्ट को ड्राइंग जिन्होंने ली है उसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, ड्राइंग में भी आप आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह को लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर लिखना, ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गाँव से देख रहे थे, अपने वीडियो अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू एंड गुड लक।